मैंने देखी मूवी द ग्रे मैन, और मूवी देखने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि क्या बिगनिंग है इसकी, मज़ा आ गया। वैसे इस मूवी में और भी बहुत कुछ है, पर यहाँ रिवील नहीं करूँगा, बस हल्का सा हिंट देता हूँ। रियल रॉ एक्शन है, ब्यूटीफुल इमोशंस हैं, चेस सीन्स बढ़िया हैं, और सबसे बेहतरीन है इसमें कॉमेडी। हाँ सच में इसमें कॉमेडी है, और हल्के वाली कॉमेडी नहीं है, अच्छे खासे मोमेंट्स हैं इसमें। मूवी बांध के रखती है पूरी तरह से, एक बार भी आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये ओवर हो गया या ये सीन दूसरे सीन को थोड़ा ओवर शेडो वगैरह कर रहा है। ऑफिशियली देखा जाए तो ये मूवी का रन टाइम थोड़ा सा एक बार में ज़्यादा लगता है, मगर OTT पे होने के कारण जस्ट वो लास्ट वाला नेम वाला सेगमेंट ही ज़्यादा है, उससे पहले ही मूवी फिनिश हो जाती है, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। मूवी में स्टोरी और टाइमलाइन एक्सप्लेनेशंस के अलावा एक और कमाल की क्वालिटी है इसके कैरेक्टर्स, टोटली वाओ। मेन लीड में दो मेल हैं और दो फीमेल हैं, और इन्हीं के साथ दो सपोर्टिव मेल हैं और दो सपोर्टिव फीमेल हैं। मूवी आपको इसके फ्रेम्स से अच्छे से बांध के रखेगी, और एक एक्टर के बॉडी एक्शंस और वन लाइन रिएक्शंस उसे और मजबूत कर देते हैं। मैं खुश हूँ कि ये मूवी OTT पे रिलीज़ हुई, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट्स लगे मुझे, जिन्हें मैंने रिवर्स करके देखा, दोबारा एंजॉय किया। मूवी का BGM कानों के लिए बढ़िया था और मेमोरी के लिए पावरफुल। यह मूवी अपनी एंडिंग से इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट भी सेट कर रही थी, पर इन्होंने नहीं किया, मगर मुझे कोई शिकायत नहीं है इतने से भी। मूवी आप देख सकते हो फैमिली के साथ हिंदी में, क्योंकि इसमें एक्शन और विजुअल के बाद इमोशन पे फोकस किया गया है। अच्छा एंटरटेनमेंट करेगी सबका। बाकी आपको ये मूवी कैसे लगी, कितने बार आपने सीन्स या डायलॉग्स के रिवर्स करके देखा मूवी के, कमेंट्स में बताना। शेयर करने से पहले सब्सक्राइबर और लाइक चेक करते हुए जाना। मुझे सुनने के लिए आपका थैंक यू।